तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये माइटर कटिंग करके दिखाया था 30 डिग्री में, ठीक है। और ये हमने बीम जो है कटिंग करके आप लोगों को दिखाया था 80 डिग्री में। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मान लीजिए ये 30 डिग्री में है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 30 डिग्री में है, ठीक है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो आइए उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से राइट एंगल रख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमने इसमें राइट एंगल इस तरीके से जो है फिक्स कर दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, आइए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अब आपको टेप लेना है, ठीक है, और आपको एक कोई भी एक पॉइंट मारना है। जैसे कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ 60 mm मारता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये लेंथ जो गया है वो ज़्यादा दूर तक नहीं है, तो यहाँ पर मैं सिंपली 60 mm मार्क करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैं 60 mm का मार्क कर देता हूँ। तो ये हमने 60 mm का यहाँ पे मार्क कर दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला डिस्टेंस चेक करना है, मतलब कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक का जब आप डिस्टेंस चेक करोगे, तो उस समय आपको क्या करना है, ये आपका जो टेप रहेगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक है। तो इस पर आप क्या कर सकते हो, मतलब जब आप ऐसे खड़ा करके चेक करोगे, ठीक है, ऐसे खड़ा करके, तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो इसके लिए इसके ऊपर आप स्पीड लेवल रख के आप पता कर सकते हो कि ये बिल्कुल जो हमारा टेप है वो सीधा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये लगभग आ रहा है कितना mm, 92 mm के करीब ये आ रहा है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, 92 mm के करीब आ रहा है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे हम इसी को यहाँ पे स्केच करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए, कि ये हमारा जो है जॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से, ओके, और ये हमारा इस तरीके से माइटर गया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे राइट एंगल खड़ा कर देते हैं बिल्कुल 90 डिग्री में, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल है, मान के चलिए यहाँ पे हमने राइट एंगल खड़ा किया हुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट मार दिया, कितना mm मारा हमने, यहाँ से 60 mm तक हमने मारा है, ठीक है, 60 mm, ओके। अब यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, ये हम यहाँ तक चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ आ रहा है 80 mm, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 80 ले लेना है, लेकिन उसमें तो 80 नहीं आया था, उसमें तो आया था 92 mm। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 92 mm है, और ये हमने रखा था 60 mm, ओके। तो अब देखिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें डिग्री निकालना है यहाँ का, ओके, आप समझिएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, मतलब लंब बाय आधार। तो देखिए इसका लंब होगा कौन सा, ये वाला इसका लंब होगा। हमने कितना बार आप लोग को बताया है कि जो डिग्री निकालते हैं उसका सामने वाला को हम लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया 92 और ये हो गया 60, ओके। तो यहाँ पे हम सिंपली कैलकुलेटर में यहाँ पे पुट करते हैं, शिफ्ट मार के टेन इनवर्स 92 बाय 60, तो ये देखिए आ गया 56, ये कितना आ गया 56.88। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अगर बिल्कुल सीधा होता, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा होता तो ये 90 डिग्री में हो जाता, लेकिन ये इधर झुका हुआ है, तो मतलब कि ये इधर हम माइनस करेंगे, मतलब कि 90 डिग्री और माइनस 56.88, आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली माइनस करते हैं, 90 डिग्री माइनस 56.88, तो कितना आ गया 33.12, ठीक है, मतलब कि 33.12 mm आ गया, मतलब कि अभी भी 3 डिग्री हमारा आउट है, मतलब कि ये यही इसका प्रोसीजर है, ठीक है, निकालने का। ये आउट इसलिए हो गया क्योंकि हम यहाँ पे जो है सही से टेप नहीं पकड़ रहे हैं, या फिर अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ से हमने 60 mm मारा, लेकिन आप ध्यान दोगे तो ये देखिए यहाँ पे हमें टेप पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं हम ऊपर से ही टेप पकड़े हैं, तो 1-2 mm इधर उधर आउट होने की वजह से भी ये डिग्री जो है डिफरेंट हो सकता है। तो प्रोसीजर यही है, ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को डिग्री चेक करना है। सेम अगर आपको इसमें निकालना हो, ठीक है, इसमें, तो यहाँ पे आपको राइट एंगल खड़ा कर देना है, जैसे कि यहाँ पे हमने ड्राइंग में आपको समझाया है, राइट एंगल खड़ा कर देना है और यहाँ पे आपको कोई भी एक पॉइंट मार लेना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला चेक करना है, और जब आप ये चेक करो तो ये आपको बिल्कुल जो है सीधा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप इस पे क्या कर सकते हो, इस पे आप यहाँ पे स्पीड लेवल से देख सकते हो कि ये जो टेप है जो हम चेक कर रहे हैं वो सीधा कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो यही इसका प्रोसीजर है निकालने का, आप इसको ध्यान में रखिए और निकालिए, बिल्कुल जो है आपका सही मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तो डिग्री चेक करने का प्रोसीजर हो गया, कितना डिग्री में है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से फिटअप कर रहे हो और उसको जो है उसका मतलब 90 चेक करना है,
90 का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये 30 डिग्री में आप इसको फिटअप किया हो, ठीक है, तो ये 30 डिग्री में बराबर फिटअप है या नहीं वो अगर आपको देखना है तो उसका एक अलग फॉर्मूला है और वो हमने जो है अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, आप चाहे तो जाके देख सकते हो, मैं लिंक जो है वीडियो के एंड में लगाने का कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और फ्रेंड्स, हमने अभी तक बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग जाइए और देखिए, हमारे चैनल पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है पाइप फिटर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर फिटर से रिलेटेड, लगभग 200 से 250 वीडियो हमने जो है अपने चैनल पे डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।